एवरीवन, वेलकम बैक टू सिमन चावला ब्लॉग्स। हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, और आज हम फिर से एक और नए कैफे में आए हैं, क्योंकि आज हम आए एम्बियंस मॉल गुड़गांव, और यहाँ पर नया खुला है स्पीजिया बिस्ट्रो, जो कि आपको पता है हम नोएडा और हडसन लेन दोनों वाला कवर कर चुके हैं, आपको कार्ड्स में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं एम्बियंस मॉल गुड़गांव वाला स्पीजिया बिस्ट्रो। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ता है मॉलसरी एवेन्यू, वहाँ से वॉकिंग भी आप आ सकते हो। रैपिड मेट्रो गुड़गांव मेट्रो स्टेशन, आई मीन रैपिड मेट्रो लाइन पड़ती है उसकी, वहाँ से वॉकिंग आ सकते हो आप। उसके अलावा आप अगर ऑटो या बैटरी रिक्शा होते हैं वो भी कर सकते हो। यहाँ पर एम्बियंस मॉल आते ही आपको थर्ड फ्लोर पे नेक्स्ट टू पिज्जा हट है स्पीजिया बिस्ट्रो, तो फटाफट से अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि ये वाला स्पीजिया बिस्ट्रो कैसा बना हुआ है। आपने अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसा ही कॉन्टेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। फाइनली अब हम अंदर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, आपने देखा स्पीजिया बिस्ट्रो एम्बियंस मॉल गुड़गांव में, जैसे मैंने आपको बताया अभी कुछ नया खुला है, और नोएडा वाला भी काफ़ी अच्छा है, ये वाला भी हमें बहुत अच्छा लगा इसका एम्बियंस। अभी हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं, वन इज होल व्हीट थाई चिली नूडल्स, जो कि हमें ना एक्चुअली जब हम नोएडा वाले में गए थे तब भी उन्होंने हमें बोला था कि ये वाला ट्राई करो, बट देन यहाँ की एक तो चीज़ें बड़ी हैवी होती हैं, तो वो आप दो चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते, तो अभी हमने फिलहाल होल व्हीट थाई चिली नूडल्स मंगवाया है वेज में, और साथ में हमने मंगवाया है क्या नाम था, रॉकी रोड ब्राउनी शेक। सो देखते हैं कैसा होता है, ये दोनों चीज़ें मंगवाई हैं और देखते हैं कुछ, मतलब अगर हैवी हुआ तो फिर और नहीं खाया जाएगा कुछ, सो लेट्स सी जैसे ही आता है हमारा ऑर्डर। ये है हमारे होल व्हीट थाई चिली नूडल्स, जो कि मतलब मैंने आपको याद है जब हमने नोएडा वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी स्पीजिया बिस्ट्रो नोएडा वाली, तो आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, तो उसके अंदर भी हमने ना सेम चीज़ पास्ता मंगवाया था, वो इनकी बड़ी यूनिक डिश है, और उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जैसे टॉपिंग्स अलग एक ट्रे में आई थी, जो हमें खुद उसके अंदर मिक्स करनी होती है, ऐड करनी होती है, जो भी आप करना चाहो। तो अभी भी नूडल्स आप देख रहे हो, इसके साथ ही हमारे पास टॉपिंग्स अलग अलग आई हैं, तो इसके अंदर हमारे पास फ्राइड पीनट्स, फ्राइड बेसिल्स, फ्राइड अनियंस, फ्राइड गार्लिक एंड लेमन्स भी आए हैं, आई डोंट नो व्हाई ये आई एम नॉट गोना ऐड, बट बाकी सारी टॉपिंग्स मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। अब ये टॉपिंग सारी ऐड हो चुकी है, अब हम टेस्ट कर लेते हैं इसको। वाओ, मतलब मैंने आपको बताया होगा अपनी लास्ट वीडियो में कि मेरे को नूडल्स ना, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ नूडल्स एक्चुअली, मुझे इतने ज़्यादा नहीं पसंद नूडल्स, बट ये वाले कितने टेस्टी है भाई, ये फ्लैट नूडल्स हैं, और जैसे मैंने बताया आपको इसके नाम में ही होल व्हीट है, तो ये मैदे की नहीं है, प्रॉपर आटा नूडल्स हैं, और इसकी जो सॉसेज हैं, एक तो कुछ ऐसे चिली गार्लिक सॉस वाला टेस्ट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सोया सॉस वाला टेस्ट आ रहा है, और ये जो टॉपिंग्स हमने डाली हैं ये ऑलरेडी भी इसके अंदर थी, वो एक्स्ट्रा टॉपिंग्स थी, तो एक्स्ट्रा टॉपिंग्स डालने की वजह से एकदम वो क्रंची टेस्ट आ रहा है, जैसे पीनट्स हैं, तो पीनट्स ऐसे खाते खाते इतना क्रंची टेस्ट आ रहा है, और सीरियसली मतलब दिस इज टेस्टिंग लाइक हेवन, सो व्हेनेवर यू विजिट स्पीजिया बिस्ट्रो दिस इज़ अ मस्ट हैव, मतलब मेरे को अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पहले ये क्यों नहीं खाया, दिस इज रियली वेरी वेरी टेस्टी। नाउ लेट्स ट्राई दिस रॉकी रोड ब्राउनी शेक, सो या दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, ये काफ़ी थिक है, और इसकी जो स्ट्रॉ है ना वो काफ़ी मोटी है, जैसे हम बबल टी पीते हैं तो बबल्स आते हैं ना, जो बोबा आता है टैपियो का आपके मुँह में, ये इसके अंदर ब्राउनी के पल्प्स आ रहे हैं, तो बहुत टेस्टी लग रही है। इसके बाद हमने कहा एक और चीज़ मंगवाई लेते हैं, तो यहाँ पर हमने मंगवाए गार्लिक नॉट स्विस चीज़, ये मेरी एक कज़न ने मेरे को बोला था कि तो डेफिनेटली ट्राई करियो, तो मैंने कहा ठीक है ये मंगवाते हैं, और अब हम ये टेस्ट करके देख लेते हैं कैसे हैं, ये देखने में तो मेरे को बिल्कुल अंकल्स जैसी लग रही है गार्लिक ब्रेड,
वो भी हमने वीडियो बनाई थी, उसकी गार्लिक ब्रेड बड़ी टेस्टी है अंकल्स की, तो आई मस्ट रेकमेंड यू नो कि आपको ये डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, अंकल्स की गार्लिक ब्रेड। ऊपर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा कार्ड में, वो चेकआउट कर लेना। अब ये ट्राई करते हैं कि ये अंकल्स जैसा है, इसका टेस्ट भी आया नहीं, क्योंकि दिखने में बिल्कुल वैसी ही लग रही है। गार्लिक ब्रेड इज लाइक ओके मतलब गार्लिक ब्रेड क्या, गार्लिक नॉट्स है इसका नाम वैसे, बट दिस इज लाइक ओके जैसे मेरे को लगा था कि चीज़ी होगी काफ़ी, ये उतनी ज़्यादा चीज़ी नहीं है, थोड़ी सी ड्राई ड्राई और सूखी सूखी सी है। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइस भी इट्स, मतलब आई डोंट थिंक इट्स नॉट इतना ज़्यादा वर्थ इट, बट आई डोंट नो ये मेरी कज़न को क्यों इतना ज़्यादा पसंद है, मैं उससे डेफिनेटली पूछने वाली हूँ कि देखो ऐसा क्या अच्छा लगा इसके अंदर। तो दिस इज मतलब ओके प्राइस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे आपने देखा ये एक सॉस भी आई है इसके साथ, साथ में एक मेयोनीज चीज़ वगैरह है, तो चीज़ के साथ तो ये सही लग रही है, बट वो सॉस के साथ मेरे को इतनी पसंद नहीं आई। ठीक ठीक है, ओके सो गाइज दिस वॉज अ ब्रांड न्यू कैफेज पिज्जा बिस्ट्रो एम्बियंस मॉल गुड़गांव फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ थम्स अप। अभी हमने लास्ट वीडियो में कैफेज अंडर 1000 डाली है कि उसकी लिस्ट, बेसिकली जो बजट फ्रेंडली कैफेज होते हैं उसमें से एक ये भी है, तो वो लिस्ट अभी तक आपने नहीं चेकआउट करी तो कर लेना, ऊपर कार्ड से आपको लिंक मिल जाएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक होम, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। बाय।